आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट नंबर गियर पे कैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे भी ड्राइव करके दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स ने सबसे ज़्यादा आपको सेफ्टी देखना है और सेफ्टी के लिए पहले आपको सीट बेल्ट पहनना है, सीट बेल्ट ना भूलें, उसके बाद ही ड्राइव करना स्टार्ट करें। तो पहले क्लच और ब्रेक पे आपको पैर रख लेना है, क्लच और ब्रेक ये दोनों को आपको प्रेस कर लेना है, क्लच ब्रेक। उसके बाद आपको गियर देखना है, गियर न्यूट्रल रहना चाहिए और ये हैंड ब्रेक आपको गिरा लेना है ऐसे करके प्रेस करके। उसके बाद आपको इंजन ऑन करना है और उसके बाद फर्स्ट गियर लगाना है। तो ये फर्स्ट गियर लग गया और अब आपको एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी तो अच्छे से वीडियो नहीं आ रही थी। ध्यान देना है कि क्लच और ब्रेक दबा के रखना है तभी इंजन ऑन करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर गियर लगाना है, ये फर्स्ट नंबर गियर लग गया। उसके बाद आपको ब्रेक धीरे धीरे ऐसे छोड़ना है, ब्रेक देखिए मैं पूरी तरह से छोड़ दी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है तो आगे गाड़ी मूव होगा। अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रही हूँ, जब आपका पूरा गाड़ी मूव होने लगेगा और आगे कुछ भी आगे जाम नहीं रहेगा तभी आप पूरी तरह से क्लच छोड़ना और धीरे धीरे आपका गाड़ी मूव होने लगेगा। उसके बाद पूरी तरह से छोड़ देना है क्लच को। फ्रेंड्स तो देखिए अभी बहुत जाम है और मैं अभी ब्रेक छोड़ दी हूँ पूरी तरह से और क्लच पे पैर रखी हूँ। जब भी आगे रुकना होगा तो क्लच पूरी तरह से प्रेस करेंगे, उसके बाद ही ब्रेक पे पैर डालेंगे धीरे से। तो अभी गाड़ी पूरी तरह से गाड़ी पूरी तरह से रुक गई है तो अभी क्लच ब्रेक ले लिए हैं। और जब ज़्यादा जाम रहता है तो आपको फर्स्ट गियर पे ही चलाना है, सेकंड गियर नहीं करना है। सेकंड गियर पे चलाइएगा तो आपका गाड़ी रुकने का चांस है, बंद हो जाएगा गाड़ी, इसलिए आपको फर्स्ट गियर पे ही चलाना है। धीरे धीरे जब गाड़ी आपका धीरे धीरे मूव हो रहा है तो फर्स्ट गियर पे रखना है। तो अभी बहुत ज़्यादा जाम है तो मैं फर्स्ट गियर पे ही रखी हुई हूँ क्योंकि बार बार गाड़ी रुक रही है मेरी, बहुत ज़्यादा आगे जाम है। तो क्लच पे पैर आपको रखे रहना है, हल्का सा प्रेस करते रहना है क्लच। क्योंकि ऐसे जाम में आपको क्लच ब्रेक आपको दोनों ही प्रेस करते रहना है। क्लच पहले पूरी तरह से दबा लेना है उसके बाद फिर ब्रेक दबाना है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मेरा अभी पैर क्लच ब्रेक से नहीं हट रहा है, दोनों दबा हुआ है और अभी देखिए आगे थोड़ा सा खाली हो गया है। तो क्लच ब्रेक छोड़ करके उसके बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके आगे मैं बढ़ी हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना है आपको गाड़ी आगे तेज करने के लिए। और जैसे ही आगे एकदम जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद दो नंबर गियर पे मैं करूँगी, बट अभी गाड़ी आगे बहुत ज़्यादा है, जाम है, तो अभी मैं दो नंबर पे नहीं करूँगी। फ्रेंड्स तो आगे बहुत खाली हो गई है पूरा, अब जाम हट गया धीरे धीरे, तो मैं दो नंबर गियर पे कर ली हूँ। आपको क्लच प्रेस करना है उसके बाद दो नंबर गियर लगा लेना है। और जब पूरी तरह से क्लच पे पैर हट जाएगा क्लच पर से उसके बाद आपको एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस करना है। तो मैं पूरी तरह से हटा ली हूँ क्लच पर से पैर, उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर ले रही हूँ और फिर से जाम लग रही है आगे,
तो फिर से क्लच पर आपको क्लच प्रेस करना है और ब्रेक भी साथ में धीरे से प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, ब्रेक धीरे से ही प्रेस करना है। जब क्लच पर से पूरा पैर हट जाएगा उसके बाद ही आपको एक्सेलेटर प्रेस करना है गाड़ी को तेज भगाने के लिए। तो मेरी अभी एक्सेलेटर पे पैर है, क्लच पर से पैर हटा ली हूँ। जैसे ही आपको आगे जाम दिखेगा ना, या गाड़ी आगे आपको दिखेगा कि अब रोकना है मुझे, तो वैसे ही आपको क्लच पर पैर हल्का सा रखना है, धीरे धीरे क्लच दबाना है, और जब देखेंगे आगे वाली गाड़ी रुक रही है तो उसके बाद आपको क्लच जोर से दबाना है, और उसके बाद फिर ब्रेक भी आपको प्रेस करना है, क्योंकि आपको गाड़ी रोकना है आगे, इसलिए। तो अभी मैं 3 पे कर ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली है आगे। फिर से आगे गाड़ी रुक रही है तो क्लच ब्रेक पे, फिर से 2 नंबर पे कर ली हूँ क्योंकि आगे गाड़ी मेरे एकदम क्लोज आ चुकी है, इसलिए 2 नंबर गियर पे लगा ली हूँ। फिर से और आगे पूरा खाली है तो मैं 3 नंबर गियर पे लगा ली हूँ। उसके बाद आपको बस एक्सेलेटर प्रेस करना है गाड़ी को भगाने के लिए। 3 नंबर लगा के मैं एक्सेलेटर प्रेस कर रही हूँ, और जैसे ही आगे जाम होगा उसके बाद आपको। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।